चैप्टर नंबर 2 ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं। मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन में आएगा, कितने मार्क्स का है। तो जब भी आप पढ़ाई शुरू करो सेकेंड चैप्टर की, पहले पेज में आने का, पहले देखो, ये देखो 2.1 से ये आपका दायरा है, ठीक है। इसके बाहर तो आउट ऑफ सिलेबस आने वाला नहीं है। जो मैंने 11th का सिलेबस का वीडियो बनाया है उसमें बोर्ड के क्लियर कट वाक्य है, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ओसी में आप सरप्राइजेस एक्सपेक्ट मत करना, जो चैप्टर का एक्सरसाइज और इसमें से आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कितने मार्क्स का है, 21 मार्क्स। इससे साफ आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वैसे मैंने बोर्ड का रखा हुआ है क्योंकि बोर्ड का और 11th का सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 मार्क का, इसमें से 100% फंसना चाहिए। 21 तो 4 4 मार्क के कितने पूछेंगे, तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन मेरे एंटिसिपेशन है। सेकेंड चैप्टर एक फोर्थ फिफ्थ में से भी, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, फोर्थ में से आएगा। फीचर्स ऑफ कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, वो भी नहीं आएगा। मेरिट्स लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर एचयूएफ फर्म कंपनी, आप समझ में आए, क्योंकि दो पार्ट्स है ना मेरिट्स लिमिटेशन। तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एसपीओसी, इको अकाउंट्स। पहले ये मेरा जिंदगी में ये रहा है, पहले तो मैं देखता हूँ सिलेबस, दूसरा मैं देखता हूँ मार्क्स कितना है, तीसरा मैं देखता हूँ क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है। लॉजिक समझ में आया? अब शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्टकट्स। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। आप देखो साइकोलॉजिकल रीजन है, उन्होंने सपोजली ट्रेड के फीचर्स पूछ लिए, आपको आ रहे 3 4 पॉइंट, आपको लिखना है एक पेज, आधा पेज तो चार्ट से भर जाएगा। फिर आप 4 5 पॉइंट लिखेंगे, एटलीस्ट चार्ट से इंप्रेशन क्रिएट होता है। 12th में तो मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हर जगह पे चार्ट और ग्राफ चाहिए, चेकर रीड ही नहीं करता आंसर। 100 मार्क का लिखा फिर 60 मार्क आता है, क्यों, आपने ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया। ओसी और एसपी में, एसपी में चार्ट कम रहता है, ओसी में ज्यादा रहता है। तो ये चार्ट आपने कर लिया, आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटा पहले मैंने कहा बेटा चार्ट कर लो, इसके दम पर कुछ तो लिख पाओगे। समझ में आया? ये चार्ट आपके लिए मेन है। अच्छा, ये जो इंटरनल ट्रेड है इसमें होलसेल, रिटेल, डेफिनेशन, फीचर्स, ये जो पहले तो मेरे को पसंद क्या है, मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, कभी भी साइकोलॉजिकली मैं इजी से हार्ड की तरफ जाना पसंद करता हूँ। आप हार्ड में शुरू किए ना तो आप स्टार्टिंग में नर्वस हो सकते हैं। इस चैप्टर में आइटिनरेंट या जनरल आप ये भी कर लिए, होलसेलर रिटेलर, बेटा सबसे इजी कॉमन सेंस, आपको होलसेलर के फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको रिटेलर के फीचर्स करने की जरूरत नहीं है। होलसेलर रिटेलर 10 में से 8 पेपर में डिस्टिंग्विश के रूप में आता है। आप बोलोगे ये नहीं, क्योंकि ये फीचर्स के रूप में ज्यादातर आता है। सो इस एग्जाम में एक 8 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो। ये 4 मार्क का आप क्या कर सकते हो, होलसेलर रिटेलर। अच्छा, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, आप फीचर्स अलग से क्यों कर रहे हो? आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपका फीचर्स भी हो गया। इनफैक्ट मैं आपके जगह पे रहूं एज अ स्टूडेंट, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड का डिस्टिंग्विश। इतना होने से मेरे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे 3, फीचर्स ऑफ इंटरनल, फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल और डिस्टिंग्विश। और इतने सालों के अनुभव में मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल फॉरेन और होलसेलर रिटेलर में से 100 में से 98 पेपर में से 2 में से 1 जरूर पूछेंगे। इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है क्या? अब आप बोलोगे फिर फीचर्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि फीचर्स के लिए तो दुनिया भर का है ना, डिपार्टमेंटल चेन और स्पेशलिटी शॉप और जनरल स्टोर और फिक्स्ड और आइटिनरेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक और बड़ा बड़ा कारण है, मैं इनको फीचर्स के रूप में एग्जाम में नहीं देखता, डिस्टिंग्विश के रूप में, क्योंकि टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट ये तो फेवरेट है एग्जामिनर्स का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं आपको लाइन में आता हूँ। इस चैप्टर में जो डिपार्टमेंटल और जो अलग अलग प्रकार के स्टोर्स है वो आप 4 मार्क का एक्सपोर्ट करो, एक्सपेक्ट करो। प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, वो 8 मार्क का आएगा, बाकी सब 4 मार्क का है। समझ में आया? तो मैं वापस से शुरू करता हूँ।
ये टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स डिटेलर, इसके ऊपर मेरा कुछ रह गया। हाँ, आइटिनरेंट डिटेलर्स के प्रकार और टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल में से एक एग्जाम में आएगा, 4 मार्क। आप लिख लो, 4 मार्क का एक फंसना चाहिए। कौन सा? अच्छा, कॉमन सेंस भी है। हॉकर, पेडलर, ये डे टू डे अपने जीवन में आता है, हाथ में उठा के जो चलते हैं, पेडलर, ठेला गाड़ी, ये आपको पता है। और फिक्स शॉप में जनरल, सेकेंड हैंड, ऑथराइज, स्पेशलिटी, ये सब आपने देखा भी है, ठीक है। अब लार्ज स्केल में ये हो सकता है 8 मार्क का है, हो सकता है 4 मार्क का है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसमें से डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर, अच्छा, इसमें से भी आप पूछो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर को प्रायोरिटी में रखो, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आपके होना चाहिए। फिर ये जो चेन स्टोर्स है, ये शॉर्ट नोट में आएगा, पर डिपार्टमेंटल, मेरा अनुभव बोलता है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। वन प्राइस शॉप बस आप रीड कर लो, क्योंकि वन प्राइस शॉप इंडिया में कॉमन कम है। डू यू एग्री? जब एक सेटर पेपर सेट करता है, उसके नजरों में क्या है? सिटी सेंटर मॉल गया था, तो मॉल आ गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए, बाटा में गया तो चेन स्टोर्स या मल्टीपल स्टोर जिसको बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली वो डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर, सुपरमार्केट, आपका डीमार्ट, ये जो है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी में रखेगा। ये तीन, पहले तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी रीड करना है आपको। और वैसे भी आपको ऑप्शन में ये बैठ जाता है, कहां पे? 4 में से आपको 3, जैसे इधर 4 में से 3 करना है। अच्छा, एक आपका बैड लक हुआ तो वो एंड का एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर डाल देगा। बिना नॉलेज के ये अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आई कोड क्या होता है, आरसीएमसी क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, शिपिंग बिल क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, बिल ऑफ लादिंग क्या होता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स है जो आप फेंक नहीं पाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका स्टडी हुआ हुआ तो आप बोलोगे, सर मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं, चिंता मत कर, अब 20 साल का अनुभव कैसे मैं यूज करूंगा। हालांकि मैं बताना प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर स्किप करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि 33 मार्क्स में से एक 10 मार्क का फंसेगा, और वो कौन सा फंसेगा? सोल ट्रेडर, एचयूएफ फर्म, कंपनी, कॉपरेटिव में से एक, मेरिट लिमिटेशन। तो मेरा सबसे बड़ा हेडेक 8 मार्क का, ये लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर डालेंगे और इधर डालेंगे मेरिट लिमिटेशन, तो मेरा मेरिट लिमिटेशन तो हुआ रहेगा, तो फिर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्किप कर दूंगा। लेकिन मेरा पर्सनल वो फेवरेट है, लेकिन बच्चे लोग पढ़ते हैं उस पर टेक्निकल, ऐसा नहीं है मेरा फेवरेट है तो आपने करना चाहिए, उसमें टेक्निकल नॉलेज है, उसमें आप फेंक नहीं सकते, बट पार्टनरशिप में आप लिख सकते हो। कंपनी आपका एसपी में हुआ है तो वो आ सकता है, आप लिख सकते हो, मतलब सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव, और वो नहीं भी हुआ तो उसके, और मेरा अनुभव बोलता है इसमें से ही आएगा फोर्थ चैप्टर, क्योंकि पहले वो 12th में था, फोर्थ चैप्टर पहले 12th में था, उसको 11th में शिफ्ट किया, तो उसका रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है। यदि आपने फोर्थ चैप्टर पक्का किया, जो आपने करना चाहिए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, यदि आपके पास टाइम कम है, यदि मैं शब्द यूज कर रहा हूं, और वैसे भी 100 में से 99 बच्चे मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ एचईएफ पूछा और एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूछा, तो कौन क्या लिखेगा? कॉमन सेंस। तो लेकिन मेरिट डिमेरिट्स कितना लिखना है वो भी एक सवाल है। 8 मार्क है तो मैं वैसे तो पुराने सिलेबस में बच्चों को बोलता था 20 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट मेरिट, 10 पॉइंट डिमेरिट, बट 8 है तो आप 8-8 पॉइंट लिख सकते हो, सपोर्टेड बाय ए मीनिंग, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और डी आपका होगा शुरू फीचर्स। तो एक रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर से आपको क्या क्या करना है। पहले तो 2 में से 1 डिस्टिंग्विश आएगा, कौन सा? मैं आपके सामने मेरा अनुभव के हिसाब से, ये आप पूरे इंडिया के कॉलेजेस लो, 2 में से 1 डिस्टिंग्विश पक्का आएगा, कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल या होलसेल रिटेल, इसमें से एक पक्का आना चाहिए, कोई भी लेवल हो इंडिया का पेपर में। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एक शॉर्ट नोट कौन सा आएगा? आइटिनरेंट और जनरल, कितना हुआ? 4 मार्क हुआ।
अच्छा डिपार्टमेंटल वो 5 मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप स्किप करोगे क्योंकि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। समझ में आ रहा है कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? आपके पास बैटरी 20% है मोबाइल का तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप पूरा रोक दोगे लाइट नहीं है 3 टक्का तो आप रुक जाओगे। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? लेकिन मेरा एडवाइस है करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन में 4 चैप्टर आएगा जो कंपेरेटिवली इजी रहेगा, तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को स्किप करके वो कर सकते हो। अभी क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। एक सवाल पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट लिखने चाहिए। अब मैं हमेशा पेपर में साइकोलॉजी यूज किया हूं, ठीक है ना, तो मैं पहला हमेशा 10 पॉइंट लिखता हूँ डिस्टिंग्विश में। एक बार इंप्रेशन क्रिएट हुआ चौथे में, पांचवें छठवें सातवें आठवें में हो जाता है। और एक और चीज, जब आप लिखोगे ए और बी एक पेज में फिट होगा तो ही आप फर्स्ट पेज में लिखोगे, वरना ए बी सी और डी, वैसे सी छोटा है और सी और डी एक पेज में फंसेगा तो साथ में ए बी एक पेज में, लेकिन यदि आपका जो आंसर शीट में आधा पेज विद नेम सब भरा हुआ है तो आप उधर सिर्फ ये लिखोगे और छोटे छोटे पेजेस है तो ए बी सी डी सब अलग पेजेस में। हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन यदि जगह है ट्रू और फॉल्स की सेम पेज में तो फिर सेम पेज में लिखते हैं, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। और जो आपका टर्म्स है आप 3 लाइन में लिखोगे विद एग्जाम्पल लिखोगे, 6 में से 4, अभी 8 चैप्टर्स है, 6 टर्म्स है, हर चैप्टर में से एक एक्सपेक्ट करो। अब बिजनेस क्या है कॉमर्स क्या हो तो तुम लिख पाओगे। और केसलेट्स, केसलेट्स सिंस ये चैप्टर का मार्क्स ज्यादा है और सिंस 4 चैप्टर का मार्क्स ज्यादा है, तो एक केस इसमें से एक केस इसमें से। मैं आपको एक और मेरा अनुभव बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ मैंने पूरा देखो पूरा रिसर्च करके बताया, मेरा अनुभव ये वो बताता है कि केसलेट, खास करके केसलेट कहाँ गया, ये देखो चैप्टर 2, इधर मिस्टर राम है ना तो बाल भारती में मिस्टर श्याम होगा, ये लोग सिर्फ नाम चेंज करते हैं भाई, केस वर्ड टू वर्ड सेम आता है, और कुछ जगह पे तो ये लोग नाम भी चेंज नहीं करते। कौन सा, किसमें, किसमें है, ओके जो भी इधर दिया था क्वेश्चन में मिस्टर श्याम दिया हुआ है ना, ना एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको केसेस अलग से करने की जरूरत नहीं है, या आपको सरप्राइज नहीं मिलना एग्जाम में, आपके बाल भारती के एंड के केसेस फुल चैप्टर एक्सरसाइज का मैंने वीडियो बनाया, उसमें से आप केसेस देख लेना, वही आएगा वर्ड्स, कोई आपको केसलेट का टेंशन नहीं। अच्छा आपको 4 एनी 2 में कितना बोला है बेटा, 4, यदि डिपार्टमेंटल मुझे लगता है ये इधर फंसेगा, 5 मार्क में एक फंसना चाहिए, और 4 मार्क का ये फंसेगा कौन सा, आइटिनरेंट के या फिक्स शॉप का, अभी टीचर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो इन समरी 4 पॉइंट बोला है तो विद एग्जाम्पल लिखना, कुछ बोला नहीं है तो मैं 10 पॉइंट बोलता हूं, लेकिन बुक में 7 पॉइंट है तो आप 7 पॉइंट लिख सकते। नाउ एक फाइनल रिवीजन, कितना क्या क्या बोला, आप शुरू किससे करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल से, फिर क्या करोगे होलसेल रिटेल, हो गया आपका डिस्टिंग्विश 1 4 मार्क का, फिर आप क्या करोगे आइटिनरेंट के टाइप्स, फिक्स शॉप के टाइप्स, और फिर डिपार्टमेंटल, फिर क्या बताया था मैंने आपको, चेन स्टोर्स बताया था, और क्या बताया था, डिपार्टमेंटल सुपरमार्केट, और इसमें से एक फंसना चाहिए सुपरमार्केट और चेन स्टोर्स, क्योंकि 3 प्रैक्टिकली देखते हैं, मॉल का एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया है उन्होंने, और वन प्राइस शॉप का रेलेवेंस नहीं है क्योंकि आजकल प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है तो ये नहीं चल पाते, बहुत रेयरली सक्सेस इसका देखा गया। सो बाकी रिसेंट ट्रेंड और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाइम है तो करना, वरना स्किप करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना कि क्वेश्चन नंबर 4 से बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा तो वहां पे आपका बैठ जाएगा, ये 4 मार्क के शॉर्ट नोट में नहीं आएगा क्योंकि ये कम से कम 6 पेज का आंसर बैठेगा। लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप ये स्किप भी कर रहे हो तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है एंड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर का एक्सरसाइज में जो टर्म्स आते हैं एंट्री पॉट क्या होता है वो आपको करना चाहिए। और एक और चीज है, यहाँ पे आपने ये भी कर लिया ना तो आपको एग्जाम में पॉइंट्स लिखते आएगा, ये भी आपने पॉइंट्स रट्टे मार लिए ठीक है ना, ये तो आपका एग्जाम में स्मूथ हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया?
और ये जो एक्सरसाइज है जरूर करना, इसमें एक्सपोर्ट के जो टर्म्स है इसके बाद सरप्राइज नहीं है। किसी को कोई डाउट है ट्रेड चैप्टर में? लास्ट में इसके मार्क्स एक बार देख लो, 21 बहुत ज्यादा है। अच्छा कैलकुलेट करो, 21 ऑफ 80% इज हाउ मच, 25% पेपर, 25% इस चैप्टर में आएगा। तो स्टार्ट हेवी से नहीं करने का, किससे करने का, इजी से, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का और फिर हार्ड के तरफ जाने का। वैसे हार्ड कुछ भी नहीं है। ओके सो ये हमारा वीडियो सेकेंड चैप्टर का खत्म होता है।